हेलो माय सीए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों से अटकलें लग रही थी ना कि सीए का एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंडेंट था सिर्फ एक चीज पे, इलेक्शन डेट्स। और वो इलेक्शन डेट्स आज 3 बजे आ गई। लोकसभा के इलेक्शन 7 फेजेस में होंगे। फर्स्ट फेज इज ऑन 19 अप्रैल और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 19 अप्रैल को ही इलेक्शन होंगे, बट इट इज ओवर 7 फेजेस एंड लास्ट फेज इज ऑन 1 जून और रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा इलेक्शन का 4 जून को। सो एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, एग्जाम इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि सर आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा आईसीआई के एग्जाम लोकसभा इलेक्शन के बाद ही हुए हैं। देखिए, अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग समय पे आईसीआई एग्जाम ले, ये पॉसिबल नहीं है। यू माइट थिंक कि भाई दे आर 2 एग्जाम डेट्स विच आर क्लैशिंग विद द इलेक्शन डेट्स, ठीक है, तो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि सिर्फ सिर्फ वो 2 एग्जाम ही पोस्टपोन हो जाए। बट इट हैज नेवर हैपेंड नॉर इट कैन हैपन, बिकॉज एग्जाम सेंटर्स के लिए ना आईसीआई को स्कूल कॉलेजेस ये सबसे टाई अप करना पड़ता है एग्जाम सेंटर बनाने के लिए, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन डेज, राइट। तो बट रिमेंबर देर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, मे बी एक दो दिनों में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा आईसीआई का, इसलिए मेरी बात गलत भी हो सकती है, बट मेरे हिसाब से अब एग्जाम 4 जून के बाद ही स्टार्ट होना चाहिए। तो और रही बात इनकम टैक्स और जीएसटी की, तो वो तो आई होप आप प्लेलिस्ट स्टडी एट होम यूट्यूब चैनल पे जो है उसका आनंद ले रहे होंगे, और अगर नहीं आनंद ले रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, एंड इट्स योर लॉस। इनफैक्ट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव अप्रिशिएटेड अ लॉट टू माय लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। बड़ा मजा आ जाता है आपके कमेंट्स वगैरह को देख के, एंड दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट टू ब्रिंग मोर एंड मोर फॉर यू पीपल। शेयर दिस इंफॉर्मेटिव नॉलेज टू ऑल योर सीए फ्रेंड्स, और हाँ, पढ़ाई रोक मत देना कि एग्जाम तो अब पोस्टपोन हो ही रहा है, राइट, पढ़ाई जारी रखिए, जितना एक्स्ट्रा समय मिल जाए उसको भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।